हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि लास्ट वाले एपिसोड में याद होगा, यहाँ पे फ्रैंकलिन, माइकल और कुछ क्रू मेंबर, यहाँ पे हम लोग ज्वेलरी शॉप रॉबरी किए थे। और वहाँ पे पूरी शॉप रॉबरी करने के बाद हम लोग बाहर निकल रहे थे, तभी यहाँ पे हम लोग के पीछे काफी पुलिस लग गई थी। तो जैसे तैसे हम लोग करके पुलिस को छुड़ा कर ट्रक को यहाँ पे लेस्टर के लॉकर में जाकर पार्क किए थे। तो आज के एपिसोड में आज सीन कुछ ऐसा है कि फ्रैंकलिन को नया घर खरीदना है, क्योंकि वो काफी दिन से अपने आंटी के घर रहता है। तो चलते देखते कोई घर है या नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ पहले लेस्टर ये सब से बात करके देखते हैं उन लोग के नजर में कोई अच्छा सा घर है या नहीं। तो पहले लेस्टर को कॉल करते हैं, फोन निकाल दे अपना। So, यहाँ पे लेस्टर से बात हो गई और वो बोल रहा है कि उस वो घर फ्री में दे देगा। एक घर है जो फ्री में दे देगा, लेकिन उसके लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा उसका। तो वो पहले बोल रहा है कि अभी वो मिलकर बताएगा क्या काम है। तो पहले हम लोग को उस घर का लोकेशन दे दिया है, तो देखते हैं वो घर कैसा है। बोल रहा है कि पहले देख लो कैसा घर है, फिर थोड़े देर में बोला है कि कॉल करेगा या मैसेज कर देगा, वो मिलने के लिए बोलेगा। वहाँ पे बोला है लॉस सैंटोस बीच पे के पास मिलना है। तो चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे लोकेशन दिया है वो माइक लेस्टर। तो लेस्टर इस जगह का लोकेशन दिया है, तो चलते देखते कैसा घर है। इस तरफ जाना था। So guys, यहाँ पे गाड़ी भगाते भगाते हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं जहाँ पे लेस्टर लोकेशन दिया था जिस घर का। और ये रहा घर, यहाँ का लोकेशन दिया था लेस्टर ने। चलो अंदर चल के देखते हैं, फिलहाल ये सब तो लॉक है। यहाँ पे गेट है, यहाँ पे देखते हैं कैसा घर पे अंदर से देखने पे कैसा लगता है। तो यहाँ थोड़ा बालकनी टाइप का है इस तरफ, और यहाँ पे रूम है, ग्लास की विंडो सब लगी हुई है। अंदर नहीं जा सकते फिलहाल हम लोग, क्योंकि अभी घर लॉक पड़ा है। लेस्टर ने बोला सिर्फ देख के आने को कि कैसा है। भाई सब यहीं से नीचे गिर गया है यहाँ पे। भाई फ्रैंकलिन भी काफी जल्दबाजी में है। और यहाँ पे थोड़ा छोटा सा स्विमिंग पूल है, और यहाँ पे एक थोड़ा सा और बड़ा स्विमिंग पूल है। यहाँ पे कुछ लोग बैठने के लिए जगह बनाया गया है। तो ओवरऑल अच्छा घर है यहाँ पे। अभी और भी इस साइड भी है क्या, और इस साइड भी थोड़ा सा ये है, अभी सब कुछ लॉक है। तो सही है फिलहाल। तो चलते चलते रास्ते में यहाँ पे लेस्टर के मैसेज भी आ गई थी कि हम मिलने आने के लिए। तो चलते हैं यहाँ पे लॉस सैंटोस बीच के पास। बाइक अपनी कहाँ गई है यहाँ पे। तो लोकेशन बता दो जहाँ पे लेस्टर मिलने को बुलाया है। यहाँ पे लेस्टर मिलने को बुलाया है, तो चलते हैं। Thank you.
सो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं जहां पे लेस्टर मिलने को बुलाया है, तो चलते हैं आगे। बस बस थोड़ी सी दूर और है। हाँ यहाँ तो पार्किंग है यहाँ पे। भाई साहब लोग सीढ़ी से नीचे बाइक भी ला रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे लोग डर रहे हैं। सो यहाँ पे पहुंच गए जहाँ पे लेस्टर मिलने को बुलाया था। अभी तक लेस्टर आया नहीं है। यहाँ पे माइक फ्रैंकलिन वेट कर रहा है और ये रहा लेस्टर आ गया। Sit down and face forward. Now I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Light Vader? Oh shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you like Jane Norris. Man, I don't know, huh? I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Just stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friends' ideas off and walked around like a messiah while doing it, but... I don't think the niggas deserve to have his fucking head blown off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today. When a paid thug is all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug and for a good cause. Man, check this out, homie. I like one motherfucking whose ears off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at this shit as doing a good deed. Well, now you can. Because it's not fool's head, it's asshole's head. And not just head, you know, trashing cars or planning lies, forging evidence. Anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new Mollus, sort of a super Mollus. And it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry. He paid off the FDA. He doesn't care that his heart is giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Hey, no man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krasenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using Mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Hey, man, alright. Fuck that guy. He thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs, you know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. I'll walk away, and I'll stay here till you're gone. सो गाइस सीन कुछ ऐसा है। चलो यहाँ पहले यहाँ से निकलते हैं, रोड पे आते हैं मेन रोड पे, उसके बाद हम लोग बताते हैं कि लेस्टर क्या बोल रहा है। ये रही अपनी बाइक। तो सीन कुछ ऐसा है, लेस्टर यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है जिसको हम लोग को मारना है। तो क्योंकि अगर उसको हम लोग मारते हैं तो यहाँ पे लेस्टर को काफी फायदा होने वाला है। तो उस जितना उस फायदे से पैसा आने वाला है ना, उसी से हम लोग के लिए वो घर खरीद रहा है इस कारण। तो चल पैसे मार सकते उसको। हाँ लेस्टर बोल रहा है एक होटल के पार्किंग लॉट में जाना है, वहाँ पे वहां से हम लोग को स्नाइपर से बजाना है उसके हेडशॉट। तो चलते हैं। सो यहाँ पे यही सामने वाला जो पार्किंग लॉट है, यहाँ पे हम लोग को अपनी गाड़ी पार्क करनी है। बस हम लोग पहुंच गए हैं। एक कार है ये बिल्डिंग में। ओ तो उस इन्वेस्टर के यहाँ पे ये गार्ड लोग आ चुके हैं और कार है जिसमें वो बैठ के जाने वाला है। तो उसको जाने से पहले, हम लोग कार में बैठने से पहले ही उसको मारना होगा। तो यहाँ से कुछ देखने पे लोकेशन कुछ ठीक सी लग नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे
स्नाइपर ठीक से चला नहीं पाएंगे हम लोग, तो यहाँ से चलते पहले इसके ऊपर वाले फ्लोर पे। यहाँ से देखते हैं यहाँ आपसे शॉट सही आएगी या नहीं। तो यहाँ से बिल्कुल सही शॉट आएगी। पहले हम लोग अपनी स्नाइपर निकालते हैं। और ये एक रहा गेट, और यहाँ भी गेट है, पता नहीं किस गेट से आएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी आ चुके हैं, उन लोगों को बिल्कुल अच्छे से एक शॉट में ही मारना हो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ से फायरिंग हुई है, नहीं तो फिर सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे हम लोग का टारगेट ये रहा है जो रेड शर्ट में, तो टाइम आ गया इसको बजाने का। 3 2 1 गो। ओ भाई साहब, किसी को पता नहीं चला, फिलहाल यहाँ पे हम लोग बजा दिए उसके हेड शॉट। भाई यहाँ पे जल्दी निकल यार, यहाँ से निकलते हैं। तो भाई कुछ लोग को पता चल गया था शायद, पीछे आने लगे थे अपने। सो गाइस यहाँ पे हम लोग का ये मिशन तो बाढ़ हो गया, देखते हैं लेस्टर वो घर। फिलहाल लेस्टर को कॉल करके बताते हैं। यहाँ पे वो लेस्टर बोल रहा है कि उसको पता था कि ये घर मतलब इस फ्रैंकलिन काम कर देगा इसका, उसका पहले ही सब सामान उस घर पे पहुंचा चुका है लेस्टर, तो पहले जाना है हम लोग को वहाँ पे उस घर पे। तो चलते हैं अपनी घर का लोकेशन फिर से मैं मार्क कर देता हूँ, अपने नए घर के लोकेशन में फिर से मार्क कर देता हूँ। और ये रहा अपना नया घर। तो चलते हैं अपने नए घर में। भाई साहब लेस्टर खतरनाक खतरनाक मिशन देता है, सबको मारने का मिशन देता है यहाँ पे लेस्टर। तो चलते हैं अपने अपने नए वाले गार्ड में। चल रहे हैं यहाँ पे, रेडियो ऑफ करो इस बाइक को। मैं बार बार रेडियो ऑफ करना भूल जाता हूँ बाइक की या व्हीकल की, कुछ भी बोलो। सो गाइस हम लोग यहाँ पे अपने नए वाले घर के पास पहुँचने वाले हैं। बस यहाँ से बस थोड़ा सा लेफ्ट टर्न लेना है, उसके बाद यहाँ से हम लोग पहुँच जाएंगे अपने नए वाले घर पे। तो चलते हैं, बस पहुँचने वाले हैं।
देखिए यहाँ पे लेस्टर पहले से अपना कार वार यहाँ पे फ्रैंकलिन का कार यहाँ पे लगा दिया है और ये रहा यहाँ पे घर फ्रैंकलिन का नया घर। सो गाइस ये घर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो यहाँ पे पहले पार्क कर देते हम लोग अंदर बाइक। सो गाइस बताइएगा कैसा लगा ये फ्रैंकलिन का नया घर। यहाँ पे नीचे चल के देखते हैं और ये रहा यहाँ पे फ्रैंकलिन का बेडरूम। काफी थक गया है तो सो जाते हैं। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो क्या लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गुड बाय।